गाइज, ये है मेरे हाथ में एक रूम हीटर जो कि आपको लगभग हर दुकान पे मिल जाएगा अगर आप रूम हीटर लेने जाते हो। लेकिन इसकी ब्रांडिंग आपको अलग अलग मिलेगी, डिज़ाइन सेम आपको यही मिल जाएगा। इसको मैं लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन क्योंकि इसमें ऑटो कट का ऑप्शन नहीं आता, इस वजह से ये चीज़ जो है पिघल जाती है, यानी जब आप प्लग में इसको कंटिन्यूसली लगा के रखते हो तो ये चीज़ जो है पिघल जाती है। लेकिन गाइज़, आज मैं करने वाला हूँ एक ब्रांड का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग, वो है गाइज़ क्रम्पटन का रूम हीटर 2000 वाट का। और गाइज, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, ये मेरे को पड़ा था 1649 यानी 1700 के आसपास का मान सकते हो। 1 साल की वारंटी आती है, बिल्ट इन थर्मोस्टेट्स एंड थर्मल सेफ्टी कटआउट, यानी कि इसमें ऑटो कट का ऑप्शन है। अगर जैसे रूम आपका ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसके बाद ये ऑटो कट हो जाता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल माउंटिंग है जो कि इसमें भी है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, तो सेम फीचर इसमें दिया गया है। इसके अलावा कूल टच प्लास्टिक बॉडी है, यानी जो प्लास्टिक बॉडी है वो काफ़ी देखने में अच्छी लगती है। तो इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ निकल के आता है और क्या कुछ इसके फीचर्स हैं। गाइस, बाकी बॉक्स खाली है, बस ये इतना ही है, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और ये वारंटी कार्ड हो गया इसका, 1 साल की वारंटी आती है, प्लस यूज़र मैनुअल है कि किस प्रकार से इसको यूज़ वगैरह करना है, तो इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो गाइस, फिनिशिंग तो काफ़ी अच्छी दी गई है, मतलब कलर वाकई अच्छा है देखने में, प्रीमियम लुक इसको देता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, ड्यूल सेफ्टी के साथ आता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल माउंटिंग है, यानी इस प्रकार भी इसको रख के चला सकते हो, यहाँ से गर्मी फेंकेगा, और इस प्रकार भी रख सकते हो टेबल वगैरह पे। कूल टच प्लास्टिक बॉडी है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक जो इसको देती है। ओवर हीट प्रोटेक्शन है, यानी कि जब भी ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाता है। बाकी इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है जो कि उसमें भी आता है। यहाँ पर 2 कंट्रोल मिल जाते हैं, एक टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का, इसके अलावा ये जो फ़ैन की स्पीड वगैरह कम ज़्यादा करने का, यानी यहाँ पे अगर आप इसको रख कर चलाते हो तो सिर्फ फ़ैन चलेगा, गर्म फ़ैन नहीं, मतलब ठंडी हवा फेंकेगा। और एक पे कर देते हो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा, और 2 पे कर देते हो तो फटाफट ये गर्म कर देगा कमरे को। तो कुछ इस प्रकार की गाइज इसकी बनावट है, सामने से इस प्रकार का दिखता है। और यहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन पे लिखा हुआ है डू नॉट कवर, यानी इसको कवर नहीं करना है, क्योंकि कवर करने से ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा और गर्म होने की वजह से ये जल भी सकता है। और इस साइड से इस प्रकार से इसको पकड़ सकते हो, तो मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये चलता है। तो ये कुछ काफ़ी हैवी भारी भरकम इसका प्लग दिया हुआ है, मतलब छोटे प्लग में अगर आप लगाओगे तो ये जल जाएगा, ये भी काफ़ी गर्म हो जाता है वैसे। तो ये गाइज़ मैंने ऑन कर दिया है इसको, और ऑन करने के बाद लाइट वगैरह कुछ भी नहीं जलती, सिंपली इसको इस प्रकार से चलाना है। तो अब ये 2 पे चल रहा है, मतलब फुल टेम्परेचर पे चल रहा है, तो फटाफट गर्म कर देता है। जैसे ही गर्म होगा तो इसमें क्योंकि सेंसर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाता है। यहाँ से इसको टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ से जैसे इस पर अगर मैं रखता हूँ तो सिर्फ ठंडी हवा ये फेंक रहा है, मतलब सिर्फ फ़ैन चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे अगर मैं 1 पे करता हूँ तो टेम्परेचर, मतलब गर्म हवा फेंकनी स्टार्ट कर दिया, और 2 पे करता हूँ तो फुल तेज़ गर्म हवा ये फेंकता है। तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। तो गाइज़, ये पड़ता है लगभग 1700 के आसपास का। इसका भी जो रेट है वो वेरी करता रहता है, जैसे डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो रेट हो सकता है चेंज भी हो जाए। और ये आपको मिल जाएगा लगभग 1200 के आसपास का, 1100-1200 के आसपास का मिल जाएगा। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है गाइज़, दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। बस इतना है कि इसका जो ऑटो कट वाला ऑप्शन है वो मेरे को अच्छा लगा, इसमें वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि ये सस्ता भी है और बेसिकली ये आपको हर जगह अलग अलग ब्रांडिंग से मिल जाएगा। तो गाइज़, ये था इसका कंप्लीट रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।